बहराइच में आदमखोर को पकड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट है। इलाके की ड्रोन की निगरानी, इलाकों की जो निगरानी है ड्रोन के जरिए की जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी और जाल बिछाया। आदमखोर के बारे में बहराइच के वन विभाग सीओ अभिषेक सिंह ने जानकारी दी और कहा कि दो भेड़िए को ट्रेस कर लिया गया है, आज और कल में आदमखोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी हुई है, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं आज या कल। यूपी के बहराइच में जारी है भेड़िए का आतंक, कई गांवों में देखा गया भेड़िया, गांव वालों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। बच्ची को बचाने के चलते पिता भी घायल हुआ। बहराइच में भेड़िए के हमले में जान गंवाने वाले मासूमों के परिजनों से मिले कमिश्नर, जल्द भेड़िए को पकड़ने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाघ की दहशत, ग्रामीण मशाल जलाकर पहरा दे रहे हैं। लखीमपुर में बाघ को पकड़ने के लिए रखे गए पिंजरे में कैद हुआ वन विभाग का कर्मचारी, काफी मुश्किल के बाद पिंजरा तोड़कर निकाला गया वन कर्मी। लखीमपुर में खुखार बाघ की तलाश में ड्रोन के साथ खेतों की ट्रैक्टर से भी कॉम्बिंग की जा रही है, वन विभाग के कर्मचारी भी चला रहे सर्च अभियान। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, उफान पर डैम प्रशासन की चिंता बढ़ी। गुजरात के वडोदरा में बारिश की मुश्किलें के बीच स्थानीय लोगों ने गरबा किया, सभी ने डांस का लुत्फ उठाया, लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल बना हुआ है। गुजरात के सूरत में टला बाढ़ का खतरा, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, घेड़ नदी का पानी घरों में घुसा, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्र नदी से मगरमच्छ निकला और वन विभाग के दफ्तर पहुंच गया, दो युवकों ने बाइक से वन विभाग के दफ्तर पहुंचाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मगरमच्छ को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधा, कंधों पर उठाकर फॉरेस्ट चौकी पर ले गए। उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। आगरा में हाईवे बना तालाब, राजस्थान पश्चिम बंगाल के कई शहर बने दरिया, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा। जापान में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात, पाउजू में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आई, सड़कें पानी में जलमग्न हो गई। जापान के हिराकुसु में भी बाढ़ आई, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सऊदी अरब में भारी बारिश से मची तबाही, अल मदीना में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। यूपी के झांसी में जमीन बंटवारे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उतरवाया गया। हरियाणा में बीफ खाने के शक में मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गौरक्षक दल के सदस्यों ने 2 प्रवासी युवकों की डंडों से पिटाई की थी, पिटाई में एक युवक की मौत हुई थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गौरक्षक दल के सदस्यों ने झुग्गियों में गौ मांस को लेकर हंगामा किया था, एसपी ने पूरे मामले को लेकर पीड़ितों से पूछताछ की। यूपी के उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर की तलाश जारी, अधिकारी की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम, गंगा नदी में डूबने के बाद से लापता। पठानकोट में 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला सामने आया, फिरौती में मांगी गई 2 करोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट, किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला हिमाचल का पूर्व बीएसएफ कांस्टेबल। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन के गेट पर रील बनाना युवक को महंगा पड़ा, युवक का एक हाथ और एक पैर टूटा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस अधिकारियों ने की महिलाओं से बदतमीजी, बगैर महिला पुलिस के घर में घुसे एसओ भदौरिया।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट, 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा में ब्रेक फेल होने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई, टोल बूथ में टकराई, हादसे में बूथ कर्मचारी बाल बाल बचा। यूपी के झांसी में एक निजी बस और कंटेनर की भिड़ंत हुई, बस में सवार 20 यात्री घायल हुए। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नाबालिग छात्र के साथ उसके सीनियर लड़कों ने गलत काम किया, पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने एक युवती को गोली मारी, युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, चोरों के पास से पुलिस ने नकदी और जेवर बरामद किए हैं। यूपी के जौनपुर में नौकरी का झांसा देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। महाराजगंज के वन विभाग की टीम ने कुशीनगर में छापेमारी की, जंगलों से अवैध रूप से काटी गई सागौन की लकड़ी बरामद की गई। अमेरिका की ओरेगन के घर में टकराकर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे की वजह से इलाके में बिजली गुल हुई, फिलहाल किसी की मौत की कोई खबर नहीं। लंदन के कैनिंग टाउन क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ, आग की भयानक तस्वीरें सामने आई है, सूचना के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मॉस्को में रूस सरकार की इमारत में आग लगी, सूचना के बाद बड़ी संख्या में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वेस्ट बैंक में जंग के दौरान 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए, हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट कर जवानों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। तेल अवीव में बड़ी संख्या में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन, साप्ताहिक रैली में भारी संख्या में एकजुट हुए समर्थक। वेस्ट बैंक में एंट्री के दौरान रोकी गई वैन, तलाशी के दौरान दोनों वाहनों में मिले विस्फोटक और हथियार, वैन को इजरायली सेना ने अपने कब्जे में लिया। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन पर इजरायल ने हमला किया, विस्फोट के दौरान एक घर में आग लगी। वेस्ट बैंक के जेनिन के गवर्नर ने इसराइल की घेराबंदी को हटाने की बात कही, जेनिन और इसराइल पर लगातार हमले जारी हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन में इसराइल का हमला लगातार जारी, इसराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर हमला किया, हमले में एक हमास कमांडर की मौत हुई। चीन के सुचुआन प्रांत और चोंगकिंग शहर के ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी जो है वो देखने को मिल रही है, पानी की कमी के कारण खेती भी प्रभावित हुई है। फिलीपींस ने समुद्र में जहाजों पर टक्कर मारने के लिए चीन पर आरोप लगाए, फिलीपींस ने चीन के जहाजों पर 3 बार टक्कर मारने के आरोप लगाए। चीन के हेनान प्रांत में दुनिया का सबसे लंबा पवन टर्बाइन ब्लेड किया गया स्थापित, लिंगाओ काउंटिंग में साइट पर परीक्षण शुरू हो गया।